एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हाँ जी। चिट्ठी है आपके लिए। लगता है गौरव ने भेजा है। जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए, इसके बगैर मैं पेन नहीं लाऊंगा। दो मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या खूब ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तू देख कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ। नाम क्या है? कौन है बे? अकल का पुतला, काट का उल्लू, जबान का कीड़ा है? नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों का? यही यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। साले चींटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया? ऊंट की गर्दन खुजाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दूँ? बाप रे बाप, लगता है पानी नाक तक चढ़ा है। हाँ तो आने देना, देखते हैं डमरू की जान कब निकलती है। चलो चलो। हेलो गौरव। हाँ? मैं भवानी भागमार, पुलिस थाने से। अब क्या हुआ? फौरन चले आओ, अभी के अभी। कोई प्रॉब्लम है? अरे बोला ना, अभी के अभी बस। ये टपका तो समझ, तू भी टपका। यहां से तेरी लाश जाएगी, लाश, समझा क्या? तू ये यहाँ कैसे आया? ओ, तो तुम इसे जानते हो? नहीं। मेरा मतलब, हाँ, ये मेरे शॉपिंग मॉल में काम करता है। हुआ क्या दीदी? हुआ क्या? तुझे पता है इस लिचड़ ने कितना घिनौना काम किया है? शरीफ घर की औरतों को गंदी गंदी गालियों भरी चिट्ठी दी है इसने, कामजार कमीना। हमें झुका रहे, हिलना नहीं। अच्छा, और इतनी मोटी मोटी गंदी गालियां के बोलने में पुलिस तक शर्मा जाए। और जब मैंने पूछा तो कुत्ता बोलता है चिट्ठी बॉस ने दी थी। हाँ? मैंने कब? तुमने गटर बंद कर, चुप चुप, गद्दे के कपास की तरह धूं दूं तुझे एक बार। दीदी दीदी एक मिनट, खड़े रहो वहीं पर। एक सच बात बोलूं, असल में इसको एक बीमारी है। तो जन्म घुट्टी पिला दूं, दो घूंट मुंह के अंदर और जान पीछे के नीचे से बाहर। इधर आ। एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तेरा पड़ोसी, तेरा बावर्ची, तेरा नौकर, सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? हैं? नहीं, दरअसल इसकी माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। मेरी तेरी माँ की बात ना करे, वरना ज़बान खींचकर बाहर फेंक दूँगी। हाँ। दीदी प्लीज, ये बेचारा कुछ समय तक पागलखाने में था, हम स्कूल में साथ थे इसलिए काम पे रख दिया, वरना आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हिले, अगर मैंने सुना ना कि तूने औरत क्या औरत के पुतले की तरफ भी आंख उठाकर देखा है ना, तो मैं तेरी आंखों में सुलाखें घुसा दूंगी। निकल ले। अरे बेवकूफ, मेरी इज्जत का फलूदा बनाया तूने। मैंने? तुमने जो खत के ऊपर पता लिखा था ठीक वही जगह पे गया था मैं। और खत के ऊपर मैंने फुटबॉल जैसे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था रोज। अरे खत देने से पहले पूछना तो चाहिए था कि वो रोज है या कोई चमेली। नहीं, अरे तू जैसे बेवकूफ को भेजने के लिए मेरे मुंह पे चप्पल मार दी। लेकिन भाई अब ये कौन है? पता नहीं, पता लगाना पड़ेगा।
तो माइक बराबर पकड़। क्या बात है संजू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नताशा तुम्हारा वो दोस्त है ना, राजसिन्हा, उसके बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है। नताशा वो एक शराबी ही नहीं, वो एक ड्रग एडिक्ट भी है। क्या? हाँ, वो सिर्फ ड्रग लेता नहीं, ड्रग्स बेचता भी है। ओह नो, ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? भाई थोड़ा आगे जाऊं? हाँ, उसके हाथ में माइक दे दे जाके। सीधा खड़ा हो जा। मतलब नहीं जाऊं? तुम उससे दूर रहना नताशा, मेरे खाते। संजू मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था राज, ऐसा यकीन नहीं होता ना। लेकिन तो ये लो पेपर है, पढ़ लो, पुलिस की रिपोर्ट है इसमें। दे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच संजू, तुम अगर नहीं होते तो मैं भटक जाती। मैडम आपका फोन। उसका है। हेलो राज, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करना चाहती और ना ही कोई रिलेशन रखना चाहती हूँ। और आज के बाद अगर तुमने फिर कभी मुझे मिलने की कोशिश की या फोन करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी। Be strong, मैं हूँ ना। नताशा, शॉट इज रेडी, प्लीज कम। जाओ, तुम्हारा शॉट रेडी है, जाओ। मैं रुकता हूँ, हाँ? एंड नताशा बी स्ट्रॉन्ग। हेलो। अरे वाह, आज नया कुर्ता पहना है, मस्त है। वाह, ये कुर्ता नहीं कोट है, कोट। अरे कोट तो ये बाबा, ये कोट है, ये कोट है। अरे ये पैंट है। पैंट तो ये है जो हाथ में पहना है। अरे ये टाई है। रुमाल है ये, रुमाल। कहाँ से पता हुआ ये? रुमाल, रुमाल ये है, रुमाल। हाँ। अरे बनियान है। अरे बनियान तो शर्ट के अंदर पहनते हैं यार। जो अंदर पहनते हैं उसको सॉक्स बोलते हैं। सॉक्स? अरे सॉक्स जूती के अंदर पहनते हैं यार। जूते के अंदर जो पहनते हैं उसको अंडरवेयर बोलते हैं। अंडरवेयर, अंडरवेयर, अंडरवेयर नहीं, अंडरवेयर। देखा देखा, आज पहना है इसको, अंडरवेयर बोलते थे। देखा देखा, ये लगता है तेरा घुटना खराब है, तू किसी प्लम्बर से इलाज करा। सच्ची बोलता हूँ मैं। हाँ, प्लम्बर से। ए, फट जाएगा ब्लाउज, फट जाएगा। जाना मैं। मस्त कुर्ता है, लेकिन मस्त कुर्ता है। इस लड़की के बारे में और डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। नहीं भाई, डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी इस लड़की के बारे में। क्या हो गया? कुछ नहीं, नहीं? अरे बचवा तुम कहाँ थे? हम तुमको कब से खोज रहे हैं? अम्मा यहीं लेटे हैं, हम तो तब से यहीं लेटे हैं। दारू गटक के आए हो? का बोल रही हो अम्मा? बैसनो समाज के हैं, हमारे यहाँ चिकन में प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ता। का मतलब है अम्मा? अरे बाल धूप में नहीं सफेद किए। अच्छा। तुम्हारे मुँह से बास आ रही है। नहीं नहीं, वो तो हमारा दवाई चल रहा है। कौन का ना हमारा दवाई? गलाबी, अरे गलाबी। बदमाश कहीं का, तू ही बिगाड़ रहा है इसको। ये सुखा ले। आग से पूछो। आग भाई साहब कह रहा, हाँ सुखा ले। सुखा लो। कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं मिलती इंडिया में। चटनी खाई थी? तुम बनाई थी क्या? नहीं। मतलब कल मोजा भी धो लेंगे, ठीक? ये देखा ये? कभी सुना है? शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन बड़े प्यार से जया भादुरी जी को बजाते हैं। अपना भी यही इरादा है कुछ। जल रहा है गमछा, जल रहा है। सारी गंदगी मचाने का ठेका इन्होंने ही लिया। गमछा संभलता नहीं है, फैमिली बसाने चले। उठिए, अरे उठिए, चलिए सो जाइए। इतने गुस्से में क्यों यार? बताइए। एक ठो काला टीका लगा लिया करें आप। क्यों? कहा है कि हमें अपने पर बहुत कम भरोसा है। वैसे एक बात कहें आपसे, अमिताभ बच्चन जी अंत में मर जाते हैं, मालूम है?
गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं यार। ये अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। ये देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी। तोड़ दी मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन आ रहा हूँ। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से किया? उससे साफ करो। जल्दी कर जल्दी कर। और जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर जल्दी कर। सारी मिठाइयाँ खराब कर दी और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई होली है, बुरा ना मानो। होली खोरो, हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कराओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना सासे जी। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चरखे। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल। भाई हम लोग तो 6 बजे आने वाले थे, इतना जल्दी काको आ गए? अबे एडवांस में उन दोनों की बातें सुनेंगे तो पता चलेगा कि लड़की के दिल में क्या है। हाँ, तो लाइए डंडा निकालिए। मैं उसकी जरूरत नहीं है, उसके ब्रेसलेट में मैंने माइक्रोफोन फिट कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं भाई? तुम्हें क्या लगता है रॉकी आज कोई खास वजह से यहाँ आ रहा है? क्या पता। ए भाई, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। अरे लेकिन मुझे तो पता है। ए भाई आंटी अपनी साइड है। लेकिन ऐसा आंटी का तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं, अब ये क्या बोलेगा अंदर जाके? नताशा मैं तुमको एक खास बात बताने आया हूँ। खास बात? क्या खास बात? नताशा तुम रॉकी से दूर रहना। क्या है? क्यों, क्या हुआ? अरे नताशा वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ आर्किटेक्ट तो दूर की बात है, नताशा एक मामूली सा कड़िया भी नहीं है। ये कमीना टांग अड़ा रहा है। लेकिन भाई वो तो लंगड़ा है ना। हाँ लंगड़ा है वो। भाई मुझे क्यों मारो? और किसको मारू नहीं तो? भाई भाई वो आ गई। बताया मेरी बात को? अरे क्यों उजाड़ना चाहता मेरे घर को? क्या दुश्मनी निकाल रहा तू? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों बताया मेरी माँ को तूने? क्या कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कैप्टन हूँ, क्यों बताया? अरे तू जानता नहीं है कि मेरी माँ सख्त नफरत करती है पानी और समुद्र से,
क्यों नफरत करती है भाई? क्यों नफरत करती है? मैं बताता हूँ, क्या बोलूं भगवान, क्योंकि मेरे पिताजी सम्राट जहाज में कैप्टन थे और मेरा बड़ा भाई वाइस कैप्टन। जब सम्राट जहाज ने समुन्द्र में जल समाधि ली तब दोनों का देहांत हो गया। तब से मेरी माँ समुन्द्र पानी से सख्त नफरत करती है। बचपन में मुझे नहाने तक नहीं देती थी, पड़ोसियों के घर में जाके छुप छुप के नहाया करता था मैं। लेकिन अफसोस, मेरे खून के रगों में मेरे पिताजी दौड़ रहे थे और एक दिन समुद्र ने मुझे बुला ही लिया। लेकिन तुम क्यों बताया मेरी माँ को कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कप्तान हूँ? क्यों मेरे भाई, क्यों बताया तूने? शांत हो जाओ भाई। कर दिया ना अनाथ मुझे तूने। अरे कौन करेगा इस बच्चे से प्यार, अब तू बता, कौन करेगा इस बच्चे से प्यार? कहाँ से पाऊंगा माँ का प्यार अब, तू बता। नताशा, तुम कब आई नताशा? मैं क्या कर दिया इसको? मारो। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब यहां से बाहर निकलना होगा तो ऐसे दे देते हैं। किसे? क्या क्या ढोल? याद है मैंने तुझे दिया था? कब? आग क्यों मार रहा है? कचरा गया है यार, तू नाटक बंद कर, यहाँ जीने के लाले पड़े। चल जल्दी बता ढोल कहाँ है। या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तू देता है कि नहीं, तू देने वाला है कि नहीं ढोल? देता हूँ तुझे, कल्पना खींच के देता हूँ। चल चल बता कहाँ छुपा के रखा है, चल बता। मुझे कुछ मालूम नहीं यार। तू सही बोल रहा है मारू, ढोल इन कबीरों को मत देना। कोटी तू बीच में टांग मत मार। मारूंगा, ढोला मारा है, हम पॉकेट में किसी और को क्यों दे? जिंदा निकलना इस नरक से, इसलिए तो कोई और भी रास्ता होगा। मारू, तू किसी को कुछ मत बताना, मैं तेरे साथ हूं। एड़ा हो गया ये, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये गधे क्यों लड़ रहे हैं, ये किस ढोल के लिए भौंक रहे हैं? अपना गटर बंद रख, मारू यहाँ से भागना है कि नहीं? एक्टिंग है। माइकल दादा, ये वही लौंडे हैं। पकड़।
बोरा। ए वो देख उधर है उधर। चल। आजा आजा। गाय का दूध पिया तो आजा। आजा आजा। है किसी भाई का लाल मदम? तो आओ सालों उंगली उठाकर दिखाओ। हमारे साथ हमारी फौज है। ओवर एक्टिंग मत कर साले। लगता है कम वक्तों का तगड़ा झुंड है साला उनके साथ। अभी अभी डराते हैं। चल अभी ढील दे, बाद में काटते हैं। पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। हेलो, नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, डीके मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहां। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, इतना स्लो चल यार। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है।